हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपने घर का एंट्रेंस दिखा रही हूँ। जैसे ही हम गेट से अंदर आते हैं तो सामने ये ड्राइंग रूम की विंडो पड़ती है, जिसके आसपास मैंने कुछ डेकोरेशन कर रखा है। दिवाली का टाइम है तो हमने ये रंगोली बनाई है, कैसी लगी आपको बताइएगा। और यहाँ पर मेरी दो प्लास्टिक की चेयर हैं, इनका कलर फेड हो गया था तो मैंने इसके लिए एक पुरानी बेडशीट से कवर सिल दिया और साथ में दो छोटे से कुशन भी बना दिए। नई चेयर लेने का हम सोच रहे थे बट बजट थोड़ा सा भी गड़बड़ था। और यहाँ इसके आसपास ही मैंने थोड़ा से प्लांट रख रखे हैं। ये हैंगिंग फ्लावर पॉट है मेरा, क्ले का है ये, और इस पे मैंने एक प्लांट डाल रखा है, इसका नाम शायद पर्ल ऑफ स्ट्रिंग है। और यहाँ का जो स्टैंड है, दो स्टैंड एक्चुअली मैंने लोहे के ले रखे हैं, और एक साइड के स्टैंड पे मैंने रबर प्लांट और एक और प्लांट रख रखा, और मिडिल का जो पार्ट छूट गया है उसमें मैंने वुड का एक स्टैंड बना करके उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर पॉट रख रखे हैं। और जो उससे मिलता जुलता मेरा एक कप टूट गया था उसे रख रखा। और इस पे मैंने सकलेंट्स और कुछ कैक्टस रख रखे हैं। ये कैक्टस थोड़ा बिल्ली ने नोज़ दिया है लेकिन इसमें बड़ आ रही हैं तो लग जाएगा। और इस साइड के जो स्टैंड है उस पे भी दो बड़े प्लांट रख रखे हैं, और बीच में मैंने इसमें एक बोनसाई रख रखी है, साइकस समथिंग, तो उसे रख रखा है। और इसमें जितने भी फ्लावर पॉट हैं उसको मैंने पत्थरों से कवर कर रखा है क्योंकि बिल्ली रहती है तो इसे नोज़ देती है तो इसकी मिट्टी को। और फिर इस साइड पे जाके देखिए, इसमें मैंने दो टायर लिए हैं, इससे एक टेबल बना रखा है मैंने। दो टायरों में पेंट करके उसके नीचे से उस पर लेग अटैच करवा दी, स्टील की लेग आती है, और ऊपर से फिर एक मेरा डाइनिंग टेबल का मिरर टूट गया था उसे कट करके उसको लगवा दिया, और उसके अंदर लाइट डाल दी है, और उसके ऊपर वाइट कलर के मैंने फ्लावर पॉट से उसे डेकोरेट कर रखा है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और इसमें जो प्लांट हैं वो कुछ इंडोर प्लांट हैं, साथ में कुछ कैक्टस है। फिर इस कॉर्नर पे जाते हैं तो इस कॉर्नर पे भी मैंने एक ये भी क्ले का पॉट है जिस पे मैंने इंडोर प्लांट रखा, जिसका शेप जो है वो हार्ट शेप आ रहा है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आपको कैसा लगा मेरा एंट्रेंस बताइएगा ज़रूर। आंगन से अंदर बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेरा वरांडा का पोर्शन शुरू हो जाता है, जिसे मैंने थोड़ा सा ये गुलाब के पेटल्स रख दिए और थोड़ी सी लाइटिंग से उसे डेकोरेट कर दिया। जो ड्राइंग रूम का मेन डोर है उसके साइड पे स्पेस पे मैंने एक और स्टैंड रख रखा है जिस पे मैंने कुछ इंडोर प्लांट रख रखे हैं। ये एग्लोनीमा का प्लांट है, यहाँ पर थोड़ी सनलाइट कम आती है, छन के आती है, तो यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया है कि इसे कैसे इसकी देखभाल करनी चाहिए। और इसके ऊपर एक मेरा MCB बोर्ड लगा है जो अच्छा नहीं लगता था देखने में, तो उससे मैंने एक वुड के एक फ्रेम बना करके उससे कवर कर लिया। ये देखिए इस तरह से MCB बोर्ड है, और उस पर मैंने पीपल के पत्तों की ड्राइंग कर ली। पीपल के पत्ते वैसे शुभ माने जाते हैं। और यहाँ पे मेरे जो किचन का एग्जॉस्ट पाइप है वो निकला हुआ है जिसे मैंने इस तरह से कवर कर लिया है। और यहाँ पे फिर मेरा सूर्य का जाता है जिस पे मैंने एक छोटा सा एक क्ले का लैंप रख रखा है। और यहाँ पे ये भी मेरा सूर्य की है जिसे जो वॉल पे फिट है, और उसके ऊपर मैंने कुछ ये जो प्लास्टिक की बॉटलें हैं उन्हें कट करके ये कुछ फ्लावर पॉट बना रखे हैं। इसमें अभी फ्लावर नहीं रख रखे हैं। और यहाँ पर मनी प्लांट है जिसे मैं सोच रही हूँ इस तरह से मैं पूरा बढ़ जाएगा तो घुमा दूँगी। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का पॉट लिया और उसके बाहर से कवर सील दिया इसका, जिसके अंदर मैं अपना ताला वगैरह रख लेती हूँ, तो इसके अंदर ही सिक्योर रहता है और दिखने में भी गंदा नहीं लगता कि ताला लटक रहा है। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे टांग रखा और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये एक्चुअली एक बैग था जिसे कट करके मैंने इस तरह से बना दिया। तो ये मेरा वरांडा का पोर्शन आ जाता है। तो देख लीजिए, ये मेरी किचन की विंडो दिख रही है एक्चुअली, और इस तरह से देखिए ये मेरा ड्राइंग रूम का मेन डोर है।